सोरेन की पत्नी ने बीजेपी को दी खुली चुनौती। कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। कल्पना बोली, अगर हिम्मत है तो करें सरना धार्मिक कोड का समर्थन। क्या कल्पना सोरेन की चुनौती को स्वीकार करेगी बीजेपी? नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जम कर पसीना बहा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर जम कर प्रहार किए जा रहे हैं। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। जी हाँ, कल्पना सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो सरना धार्मिक कोड का समर्थन करे। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को भर्ती नीति, आदिवासी अधिकारों और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का समर्थन करने को लेकर भी चुनौती दी है। बता दें कि कल्पना सोरेन ने धनबाद जिले के टुंडे में रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, जिसे झारखंड के लोग समझ चुके हैं। इसके लिए भगवा पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल्पना सोरेन का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों, ओबीसी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। आप भी सुनिए। ऐसा उखाड़ फेंकना है कि इस यहाँ पे झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करेंगे। हमारे आदिवासियों का इलाका ढकने का काम करते हैं। अगर आपको दम है तो नियोजन चुनौती के साथ खड़े रहिए। अगर आपको दम है तो सरना धर्म कोड के साथ खड़े रहिए। अगर आपको दम है तो पिछड़ों को टी-शर्ट का आरक्षण दीजिए, उसके बाद बात करिए। क्योंकि अगर यहाँ लड़ाई कर रहा है तो हेमंत सोरेन कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए चंपई सोरेन सरना धर्म को लेकर आवाज उठा चुके हैं। ये राज्य के आदिवासी आबादी के बीच लंबे समय से लंबित और भावनात्मक मांग है। चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रकृति की पूजा पर केंद्रित सरना आदिवासी धर्म मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों की ओर से मनाया जाता है। अभी इस धर्म को लेकर कोई अलग कोड नहीं था। केवल हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के पास अपना खुद का कोड है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो के स्टार प्रचारक विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने ससुर और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक कर्मभूमि टुंडी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जहां कल्पना ने टुंडी और पूर्वी टुंडी में आधा दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।